गुड आफ्टरनून बच्चों, बीए पार्ट टू का जो ज्योग्राफी है पेपर सेकंड में, हमारा पेपर सेकंड का नाम है इंडियन ज्योग्राफी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। ये दूसरा टॉपिक है यानी कि दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने परिवहन के बारे में पढ़ा था, परिवहन क्या होता है, परिवहन के कितने प्रकार हैं, और उसके परिवहन के बाद फिर हमने सड़कों के बारे में पढ़ा। परिवहन के प्रकार में हमने देखा था परिवहन तीन प्रकार के होते हैं, एक स्थल, वायु और जल। जो स्थल में होता है, स्थल भी तीन प्रकार से परिवहन किए जाते हैं। एक होता है हमारा सड़कें, रेलवे और पाइपलाइन। तो सड़कों के बारे में हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला आएगा रेलवे। जो भारतीय रेलवे है इसका शुभारंभ यानी कि प्रारंभ सबसे पहले कब हुआ था, 16 अप्रैल 1853 में। और ये किसके बीच चलाई गई थी, बम्बई और ठाणे के बीच में। इसकी दूरी जो थी ये 21 मील यानी कि 34 किलोमीटर इसकी दूरी थी। तो आज के समय में, आज यानी कि भारत आज मौजूदा हालत में बहुत विकास कर चुका है और विकसित राष्ट्रों के भी पीछे है, ज़्यादा करीब उनके पहुँच गया है विकसित राष्ट्रों के। तो उनके बारे में हम जानते हैं। रेलवे जो है भारतीय रेलवे आज बहुत प्रोग्रेस भी की है। तो भारतीय रेलवे आज वर्तमान समय में देखते हैं कि 17 जोनों में डिवाइड होता है। और एक बहुत ही सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रांसपोर्ट जो होता है भारतीय रेलवे का, लमसम 9% यातायात का साधन इसे यूज किया जाता है। भारतीय रेलवे जो है जलयान यानी कि जो शिप हैं उनके बाद सबसे सस्ता किराया और महल बाग में सुविधा भी होती है। यानी कि जब सस्ते की बात करेंगे तो सबसे सस्ता जो हमारा माल वाहन होता है यानी कि यातायात साधन होते हैं उससे, यानी कि जो पानी के जहाज़ हैं उनसे होता है। दूसरे नंबर पे हमारी सड़कें, मतलब हमारे दूसरे नंबर पर रेलवे आता है। रेलवे के ज़रिए से हम सबसे सस्ता सामान और एक व्यक्ति दूसरी जगह से आराम से जा सकता है। तो अब इसके बाद, अब ये हमारा मैप है भारतीय रेलवे मैप, इस 17 जोनों में डिवाइड किया गया। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आता है ऊपर सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे हम ये जैसे हमारा मध्य प्रदेश और हमारा कुछ कर्नाटक का भी भाग आता है, इसको मुंबई सेंटर है। फिर इसके बाद आता है ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे जो है यानी कि पूर्वी रेलवे, ये हमारा जो बंगाल का क्षेत्र आता है। इसके बाद हम आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ईस्ट सेंट्रल जो रेलवे है ये हमारा कहाँ पे आएगा, बिहार के क्षेत्र में, ठीक है। फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी कि तटीय जो क्षेत्र होते हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे में जैसे उड़ीसा ये क्षेत्र आ जाता है रेलवे के क्षेत्र में। नॉर्थ रेलवे में जम्मू कश्मीर है ना, उत्तराखंड, हिमाचल और हमारा पंजाब, हरियाणा और हमारा पश्चिमी यूपी भी आ जाता है नॉर्थ रेलवे में, ठीक है। और यूपी के अलावा जैसे मध्य यूपी में बहुत पतली बेल्ट चली जाती है, मुजफ्फरपुर से होते हुए बरेली है ना, बरेली से होते हुए लखनऊ, लखनऊ से होते हुए हमारा प्रयागराज है ना, प्रतापगढ़, ये सब क्षेत्र आते हैं उत्तरी रेलवे में, ना कि नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता। फिर आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जैसे इसका सेंटर इलाहाबाद है, इसके अंतर्गत इलाहाबाद है ना, झांसी है, आगरा है, मथुरा है, इस क्षेत्र की जो रेलवे लाइन है इसके अंतर्गत रखा जाता है। फिर आता है आगे हमला नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, इसका गोरखपुर सेंटर है, जैसे यूपी के जो तराई क्षेत्र यूपी और बिहार का भी कुछ भाग इसमें आता है। अब आता है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे कि पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में जैसे 7 सिस्टर रखी जाती हैं, जैसे असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम और मेघालय, इन क्षेत्रों, इन राज्यों को रखा जाता है किसमें, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में हम देखते हैं जैसे राजस्थान का क्षेत्र को रखते हैं, इसे हम नॉर्थ जो वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत रखते हैं। साउथ रेलवे है, साउथ रेलवे जैसे केरल और तमिलनाडु को रखते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ जो सेंट्रल रेलवे है ये हमारा कहाँ पे है, हमारा आंध्र प्रदेश और कुछ भाग आ जाता है, कुछ भाग मध्य प्रदेश भी आ जाता है, और इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है साउथ जो है
ईस्टर्न रेलवे यानी कि साउथ, जो ईस्टर्न रेलवे है ये हमारा बंगाल का कुछ भाग, कुछ भाग उड़ीसा और झारखंड का भी इसमें आता है, ठीक है, जो ये इस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ जो है ईस्ट रेलवे के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, कुछ भाग मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र रखा जाता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। फिर आता है साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत हम कर्नाटक का और कुछ मध्य प्रदेश का भी भाग रखते हैं। फिर आता है हमारा वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे कुछ डार्क कलर हल्का सा बिल्कुल दिखाई देता है, ये जैसे हमारा आता है गुजरात का क्षेत्र है ना, इसके अंतर्गत हम रखते हैं। फिर आता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में जैसे कि मध्य प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र और कुछ राजस्थान का भी क्षेत्र इसमें आता है, ठीक है। इस पर लास्ट में आता है कोलकाता रेलवे, कोलकाता रेलवे में जैसे मेट्रो को हम रखते हैं, इस प्रकार से हम ये पूरे जो 17 भागों में डिवाइड किया गया है भारतीय रेलवे, इसके बारे में हमने देखा। अब आता है भारतीय रेलवे की कितनी जोने हैं टोटल 17, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है जो हमारा एक तरफ देखते हैं मैप में, एक है SI नंबर यानी कि सीरियल नेम और कोड, और हमारा CR यानी कोड, फिर ईयर इस्टेब्लिशमेंट और रूट किलोमीटर हेडक्वार्टर। तो सेंट्रल रेलवे है ये है, इसका कोड क्या है CR, ये 1951 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, 3905 किलोमीटर इसके रूट की टोटल लंबाई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। फिर आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR, ये 2001 में, ये 3628 किलोमीटर है, इसका सेंटर कहाँ है हाजीपुर, ठीक है। ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये ECOR 2001 में इसका निर्माण मतलब प्रारंभ किया गया था, इस जोन को 2572 किलोमीटर इसका टोटल रूट की लंबाई है, इसका सेंटर कहाँ है भुवनेश्वर में। फिर आता है ईस्टर्न रेलवे जो हमारा ER के नाम से जाना जाता है, इसका कोड 1952 में इसकी शुरुआत यानी प्रारंभ किया गया था, ये 2414 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, और इसका सेंटर कहाँ पर, कोलकाता में। फिर नंबर 5 पे आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे NCR, ये जो है हमारा इसका कोड है 2003 में इसका प्रारंभ किया गया था जोन का, ये 3151 किलोमीटर और इसका जो इलाहाबाद इसका सेंटर है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER, 1952 में, ये 3667 इसकी टोटल रूट की जो लंबाई होती है ये इतनी लंबाई, इसका जो हेडक्वार्टर है ये गोरखपुर में है। फिर इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे NWR, ये 2002 में स्टार्ट किया गया, 5459 किलोमीटर इसके टोटल रूट की लंबाई, इसका सेंटर कहाँ है जयपुर में। फिर आता है नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये है NVR, ये 1958 में इसका स्टार्ट किया गया था और 3907 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और इसका सेंटर जो है गुवाहाटी में है, ठीक है। नॉर्थ रेलवे ये NR यानी कि 1952 में 6968 किलोमीटर इसकी टोटल रूट की लंबाई है और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दिल्ली में, ठीक है। तो अब हम 10 नंबर पे देख सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे SCR, ये 1966 में इसका प्रारंभ किया गया था और इसकी टोटल लंबाई जो है रूट की ये कितनी है 5803, ये कहाँ है इसका सेंटर सिकंदराबाद में। अब हमारा जो 11 नंबर पे आता है ये देख सकते हैं हम इसको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR, या 2003 में, ये 2447 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, इसका सेंटर कहाँ है बिलासपुर में। फिर इसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे है ना, ये रेलवे जो है SER 1955 में, ये 2631 किलोमीटर है, ये कोलकाता इसका सेंटर है। साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR 2003 में इसका प्रारंभ किया गया था और 3177 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल, इसका सेंटर कहाँ पे है हुबली में, ठीक है। 2004 हम देखते हैं साउथ सदर्न रेलवे जो है SR, ये 1951 में इसका प्रारंभ किया था, इसका 5098 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये जो है चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर। वेस्ट सेंट्रल रेलवे इसको हम देख सकते हैं, ये WCR 2003 में, ये 2965 किलोमीटर है, ये जबलपुर इसका सेंटर है। फिर इसके बाद आता है वेस्टर्न रेलवे WR,
ये 1951 में इसका प्रारंभ किया गया था जोन का। ये 6182 किलोमीटर 6182 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई। कोलकाता मेट्रो लेवल जो 17 नंबर पे आता है के है ना, 2009 में इसका प्रारंभ किया गया था ये कोलकाता सेंट्रल रेल पे। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे भारतीय रेलवे 17 जोनों में डिवाइड किया गया। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि जो रूट की लंबाई है वो है नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे में 1952 में जो 6968 किलोमीटर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो 17 जोनों में डिवाइड किया गया है रेलवे, तो हमने इनके बारे में जाना। ये भारतीय रेलवे हो गया। भारतीय रेलवे जो है सबसे सस्ता, जो भारत में जलयानों के बाद सबसे सस्ता मालवाहक और किराया भी सस्ता होता है एक व्यक्ति को दूसरी जगह ले जाने में। अब आता है हमारा रूट, एयर के, एयर नेटवर्क के बारे में हम देखते हैं। भारतीय जो हमने बताया था कि तीन भागों में डिवाइड किया जाता है ट्रांसपोर्ट, एक होता है स्थल, जल और वायु। वायु के माध्यम से जो प्लेन्स द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं वायुयान, एक होता है राज्य स्तर पर, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वो जगह होती है जब एक देश से दूसरी जगह पे हम जाते हैं, दूसरे देश में, उसे अंतर्राष्ट्रीय होता है। और फिर जो राज्य के ही अंदर प्लेन जोड़ते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाना, वो अंतर्राज्यीय होते हैं। तो ठीक है, ये है होता है हमारा एयर नेटवर्क के। हम देख सकते हैं इस मैप में जो हमारा इंटरनेशनल रूट है ये रेड कलर से लाइन से जाता है, और जो हमारा डोमेस्टिक रूट है ये हमारा जैसे राज्य स्तर पे है इसको हम देख सकते हैं, जो हमारा ग्रीन कलर से दिखाया गया। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वो रेड कलर से हैं, और जो हमारा राज्य स्तर पे ही पोर्ट हैं वो मतलब एयरपोर्ट हैं उनको हम ब्लैक कलर से स्पॉट पे दिखाए गए। एयरपोर्ट वहाँ उसे हम बोलते हैं जहाँ पे वायुयान का आवागमन होता है। ये सबसे महंगा और खर्चीला यातायात साधन है, यानी कि इससे ज़्यादा महंगा कोई मतलब साधन नहीं है कि एक परिवहन दूसरी जगह से जा सकता है। तो इस मैप में हम देख सकते हैं, जैसे कि ऊपर से देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे हवाई अड्डे हैं, ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट या फिर कह सकते हैं इसे हवाई अड्डे, श्रीनगर है, ऊपर से देख रहे हैं अमृतसर है, न्यू दिल्ली है, लखनऊ है ना, जयपुर है, और हमारा नीचे बनारस है, ठीक है। फिर इसके बाद अहमदाबाद, नागपुर, मुंबई, हैदराबाद और पणजी है ना, ये जो हैं बेंगलुरु, चेन्नई ना, तिरुवनंतपुरम, तिरुचापल्ली है ना, कोच्चि और हमारा कोंजीकोंड, ठीक है, ये जो है हमारे कोलकाता है ना, और हमारा इम्फाल है, और ये जो हम देख सकते हैं ना गुवाहाटी है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। यहाँ से दूसरे देशों के लिए हम प्लेन पकड़ सकते हैं, जा सकते हैं। जो छोटे छोटे ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं जैसे जम्मू है ना, और कुल्लू, गंगा, शिमला है, और देहरादून है ना, और ये पंतनगर है ना, ये लुधियाना, चंडीगढ़ है ना, और जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, आगरा, ग्वालियर है ना, गोरखपुर, कानपुर और इलाहाबाद, ये है खजुराहो, पटना, गया है ना, ये दुर्गापुर, रांची है ना, कोच्चि, तेजपुर है ना, डिब्रूगढ़, तो ये और इनको हम देखते हैं राज्य स्तर पर, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम है ना, और ये जो हैं हमारे भारत के हैं। तो इस मैप में हम देख सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि एक जगह से दूसरे देशों में जाने के लिए, जैसे हम देख सकते हैं उनके नाम भी हैं, और हम देख सकते हैं जैसे श्रीनगर हवाई अड्डा है ना, शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना था, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली है ना, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, ये है ना, ये है बगडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी, लोकप्रिय गोपीनाथ है ना बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, ये जो है
हम देख सकते हैं कि इनको हम एक किस कौन सा हवाई अड्डा किस नाम से जाना जाता, जैसे इम्फाल में है तुलिहाल हवाई अड्डा, और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना बनारस, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, मुंबई छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई है ना, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद है ना, दाबोगुलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोची हवाई अड्डा, तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई, कोयम्बटूर है ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये हम देख सकते हैं भारत के प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, और इन्हीं से हम बाहर यानी कि विदेशों की ओर जाते हैं। एक आता है पोर्ट ब्लेयर या वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस प्रकार से हमने भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और उनके वायु के यानों के बारे में जाना कि कौन और कहाँ कैसे इसका परिवहन होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे हैं एक देश से दूसरी जगह से जो हमें यहाँ से सबसे महंगा भी होता है, और एक जगह से दूसरी जगह परिवहन के जाने से कार्य भी करते हैं, किससे, वायु के द्वारा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक्स ख़त्म होता है।